पालमपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में एक ऐसी नगर निगम है जो कि जिला मुख्यालय में नहीं, क्योंकि ये जनता चाहती है कि पालमपुर को नगर निगम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आए हैं उनको राहत दी जाएगी और पालमपुर में 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनर और कर्मचारियों की कोई पेंशन नहीं रोकी गई और न ही कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा, ऐसे में उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ नगर निगम के चुनाव पर है, क्योंकि पालमपुर और धर्मशाला दोनों ही नगर निगम पर्यटन के लिए परिपूर्ण है और नगर निगम पर भाजपा की जीत होगी तो प्रदेश में काम करने का फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम का गठन 2011 के हिसाब से किया गया था और अब 2021 में मतगणना के बाद नगर निगम में आएगा और अगर कुछ लोग नगर निगम में नहीं आना चाहते हैं तो उनके लिए भी राहत दी जाएगी, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो नगर निगम में शामिल हों। मुझे यही कहना है कॉरपोरेशन, क्योंकि आज के इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से हमारा फोकस कॉरपोरेशन के चुनाव है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के बातें कही जा सकती हैं। मेरा यही है कहने का अभिप्राय, पालमपुर बहुत सुंदर जगह है, टूरिज्म की दृष्टि से टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के हिसाब से और देश के बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, पालमपुर धर्मशाला दोनों जगह आते हैं। और पालमपुर के लोगों के आग्रह पर इस निर्णय को हमने किया है, मैं पालमपुर के लोगों को सबको जहाँ बधाई देता हूँ वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि अपील भी करता हूँ कि ये कॉरपोरेशन हमने बना करके दी, अब इसको आप चुन करके जब देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग दें ताकि यहाँ से शिमला तक की एक कड़ी जो है वो लड़ी जो है वो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बने। कॉरपोरेशन भाजपा की होगी तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे जो डेवलपमेंट के जो काम होंगे, विकास के जो कार्य होंगे, उनको हम करने की स्थिति में बेहतर ढंग से होंगे। लॉकडाउन की स्टेट में लगना चाहिए, उस हिसाब से अभी तक हिमाचल प्रदेश उस स्थिति में नहीं आया। एक बात में और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो मर्ज्ड एरिया जो पंचायतों से हमारे नगर निगम में आए हैं, कुछ जगह थोड़ा बहुत ऐतराज़ है, उनके मन में है, शंका है, तो हम उनसे सहयोग चाहते हैं कि उनके सहयोग से हम इस कॉरपोरेशन को बनाने में सफल हुए हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात में बिल्कुल खुले मन से हैं, खुले दिल से हैं, अगर उनको लगे आने वाले समय में कि कॉरपोरेशन में हमको नहीं रहना है, हमको गांव में ही रहना है, 2021 की जो हमारी सेंसस आने वाले समय में आएगी उसके बाद फिर उनको बाध्य नहीं करेंगे कि वो नगर निगम का हिस्सा रहें। जैसे मंडी में नेरचौक नगर परिषद में कुछ लोग नहीं आना चाहते थे, हमने 6 पंचायतें उनकी लग की और 6 पंचायतों को पंचायत का दर्जा हासिल किया। जो पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने नगर परिषद नेरचौक बनाई थी उसमें से 6 पंचायतें बाहर की। यहाँ पर भी पालमपुर में भी कुछ जगह से थोड़ा बहुत नाराजगी का ये विषय आ रहा था कि हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग जहाँ खुश हैं उनको वहीं रखने की हम कोशिश करेंगे। 2011 की सेंसस ये बेस था और लेकिन अब जो 2021 की हमारी सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन आएगी उसके हिसाब से रिव्यू करेंगे, खुले मन से रिव्यू करेंगे। कोई इलाका अगर नहीं कॉरपोरेशन का हिस्सा रहना चाहता है, पंचायत में वापिस जाना चाहता है, उस पर विचार करेंगे। चुनाव के दिनों में कांग्रेस कई कुछ कह रही है और इतने साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है तो उन्होंने पालमपुर को जिला क्यों नहीं बनवाया, और अगर कुछ करना होगा तो भाजपा ही करेगी, कांग्रेस को कहने दो, HM मास्टर प्लान पर काम करते हैं। देखिए ऐसा है, सारी चीजें एक बार ही कहनी है, एक साथ ही कहनी है, बहुत आवश्यक भी नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँ कि चुनाव के दिनों में ये सब बातें कहते रहते हैं, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे ये लोग आज तक क्यों नहीं कर पाए जो आज करने की बात कर रहे हैं। तो मुद्दा बनाने का मुझे लगता कि इसका कोई भी लोग इस सारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे।
और मैं दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन बनाने के लिए जब जो आदमी हिम्मत नहीं कर पाए वो जिले बनाने की बातें कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब ना आप दिल्ली में हैं, ना प्रदेश में हैं और ना देश में हैं। देश के मतलब सभी राज्यों में देखिए कांग्रेस की हालत। कांग्रेस से आने वाले समय में स्वप्न छोड़ दे यहाँ इस प्रदेश का, बिल्कुल ही छोड़ दे, कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। ये सारी बातें जब करने की होंगी तो भाजपा ही करेगी जब करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज हम सिर्फ कॉरपोरेशन के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं, और कॉरपोरेशन के सिलसिले में बहुत कैटेगरी को होकर के हमने कहा कि मास्टर प्लान के साथ हम काम की शुरुआत करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट हमारा एक दृष्टि पत्र है, इस दिशा में हम जाएंगे, हमारा सोचना ये है, हमारा मानना ये है। उस दृष्टि से हमने अपनी बात कही है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब इसका मास्टर प्लान होगा तो वो बहुत डिटेल्ड, और डिटेल्ड के साथ साथ में उसमें हर एक चीज़ को लेकर के प्लान करके जब करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय में